हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज भाई, हरियाणा ग्रुप डी की परीक्षा से संबंधित कुछ अपडेट है। तो अगर आपका ये आने वाले टाइम में पेपर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और भाई अपनी ऐप है सक्सेस हरियाणा, जिसका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी पीडीएफ में। कौन सी टेस्ट सीरीज है? साइंस की है। नया जो सिलेबस आया है 15 नंबर जो आएंगे उस 15 नंबर के ऊपर टेस्ट सीरीज है। 25 टेस्ट मिलेंगे आपको इसमें, और आप ले सकते हो इसको, पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो। और बहुत बढ़िया फैकल्टी के द्वारा मैंने इसको निकलवाया है, उत्तम चौहान सर, फैकल्टी ऑफ पिनकल अकेडमी दिल्ली। बहुत बढ़िया अकेडमी है और एसएससी और बैंकिंग इन सब के लेवल का ये पढ़ाते हैं, तो बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। डेमो के लिए 2 PDF फ्री है, देख सकते हो। और अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो ग्रुप डी की कंप्लीट 100 क्वेश्चन वाली, तो ये भी अपनी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। ये 99 रुपये में अवेलेबल है। नए पैटर्न पर आधारित है ये भी, जैसा नया पैटर्न एच एस एस सी ने दिया वही पैटर्न है इसमें दिया है। 2 PDF, 2 टेस्ट यहाँ पे फ्री है। ये PDF नहीं है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। और PDF मैंने व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है, जो फ्री वाली है टेस्ट सीरीज की, वो इधर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, लिंक दे दिया मैंने। और अगर कोई हरियाणा जीके पढ़ना चाहता है, हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज लगाना चाहता है, तो 60 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं यहाँ पे मैंने, और वो भी आप ले सकते हो। कितने में? 49 रुपये में। ये भी अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है। प्रैक्टिस करो और अपनी मेहनत को निखार लाओ। अब बात करते हैं अपनी वीडियो के बारे में। तो देखो TGT की तो सुनवाई होगी 19 अक्टूबर को, वो तो एक अलग मैटर है। अपना सबसे मेन काम है ग्रुप डी का, यहाँ पे क्या है, अब आपको ये तो पता चल गया भी 21 और 22 तारीख को पेपर होने के लिए HSC चेयरमैन भी हर जगह कह रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिस नहीं आ रहा। और हर बार इनका यही होता है कि ये न्यूज़ में, अखबारों में, हर जगह देते हैं, लेकिन ऑफिशियल नोटिस नहीं देते। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप डी के CET की 21 और 22 अक्टूबर की तारीख का आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाए, ये डिमांड है, ये हमारी डिमांड और बच्चों की डिमांड है, वो पब्लिश हुई आज अखबार में। इन्होंने कहा भाई, खत्री साहब ने जो है ना प्रेस नोट करके जानकारी दी थी कि ग्रुप डी की परीक्षा 21 और 22 अक्टूबर की होगी, इसके लिए प्रबंध कर रहे हैं। लेकिन उम्मीदवार कह रहे भाई, इसको आप अभी से क्यों नहीं इसको पब्लिक नोटिस में डाल रहे, क्योंकि जब तक 21 और 22 का पब्लिक नोटिस नहीं आएगा 21 और 22 तारीख को, जब तक बच्चों को संशय रहेगा कि होगा कि नहीं होगा। और अगर आ गया तो बच्चा बेहतरीन तरीके से तैयारी करेगा। अब ये क्या करते हैं, ये पेपर से 5 दिन 3 दिन पहले नोटिस देते हैं, मतलब वही गपलातून बनाए रखते हैं जैसे पीछे इन्होंने किया है। बच्चे को एक दिन पहले तक नहीं पता होता कल पेपर है, क्योंकि माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है वो, तो इसलिए अभी से ही अगर कर दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उन्होंने कहा, वेबसाइट पर घोषित होने के बाद उम्मीदवार सुनिश्चित हो जाते हैं। उधर ग्रुप सी के शेष पदों की परीक्षा भी लटकी हुई है, उसके केस की सुनवाई अब होगी, देखते कब होगी, वो तो शायद 3 अक्टूबर को ही होगी, उससे पहले तो मुश्किल है। बाकी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है 21 और 22 तारीख को, वैसे तो भाई ये मान लो आप 100% ये कह रहे हैं कि हो जाएगी, लेकिन एक बात अलग ये है कि भाई 21 और 22 तारीख का जो नोटिस है, अगर वो आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और देने में कोई दिक्कत भी नहीं। जब आपने तारीख फाइनल कर दी तो नोटिस देने में क्या दिक्कत है, तो मेरे हिसाब से दे देना चाहिए। और उम्मीद करूँगा कि चेयरमैन साहब इस बात को सुने और जल्दी से जल्दी इस वीक में नोटिस दे दें, जिससे बच्चों का भला हो, सबका भला हो। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल नमस्कार। डिमांड करो आप भी जिस भी सोशल मीडिया पर हो, हर तरीके से HSC तक डिमांड करो कि भाई नोटिस दो इसका, ठीक है। धन्यवाद।